अगर आप हो हाउस वाइफ या हो वर्किंग वूमन, सबको काम करने का तरीका अलग रहता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका अलग रहता है, और किस तरह से कबाड़ में से हम जुगाड़ करके घर को सजा सकते हैं, घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे ही सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और सारी चैनल इसी बेज पर है। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की जो क्लोथ पे आती है वो शॉपिंग हम करते हैं तो बहुत सारी जगह पर आ जाती है। प्लास्टिक बैग हो या इस तरह की कोई भी कपड़े की बैग हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, साइड में से दोनों तरफ हाफ पोर्शन में आपको कट लगा देना है, और जहाँ से कट लगाया है उस जो कट वाला भाग है आपको अंदर इंसर्ट कर देना है जिस तरह से आप देख रहे हो, और हमारा एक अच्छा सा पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा और डबल कवर का भी बनेगा तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और यहाँ पर हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर दिया है और दो पॉकेट क्रिएट कर ली है। आप चाहो तो तीन पॉकेट्स भी क्रिएट कर सकते हो, और इससे बड़ी वाली जो बैग्स रहती है वो भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर हम इसको बेड के साइड वाले पोर्शन में इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। जो भी हमें बेड टाइम में चीज़ें चाहिए, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर हो डायरी या फिर रिमोट्स, आपके अकॉर्डिंग है आपको किस चीज़ की नीड रहती है, आपको उठना भी नहीं पड़ेगा, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेगी, हैंडी रहेगी, और चीज़ों को आप ढूंढ भी सकते हैं इजीली। तो कैसा आइडिया लगा कमेंट जरूर करना। दूसरा आइडिया, इस तरह की हमारी जो फाइल रहती है वो हम रखते हैं, और कभी कभी क्या है कि ये हार्ड प्लास्टिक रहता है तो कभी कभी टूट जाता है या यूज़ करने के बाद भी टूट जाता है, तो यहाँ से हम अच्छा सा एक DIY जो है ज्वेलरी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने हार्ट शेप का एक जो है वो ड्रॉ कर दिया है, और फिर इस तरह से हम कट करके फिर हार्ट शेप जो हमने ड्रॉ किया है उसको कट कर लेंगे, और फिर इसमें मिरर्स लगा देंगे। आप चाहो तो कोई भी शेप या कोई भी ड्राइंग कर सकते हो, और आपके मुताबिक है, आपकी डॉटर को किस तरह का पसंद है उस हिसाब से आपको जो भी हेयर पिंस आती है बेसिकली इसको हमें थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। और इस तरह की पिंस है वो बाहर बहुत ही महंगी महंगी मिलती है, तो आप इस तरह से इस तरह के मिरर्स हो या इस तरह के जो गोल्डन वाले स्टोन रहे वो भी आप लगा सकते हो। बस इस तरह से फेविकोल से मैंने सारे ही मिरर्स को चिपका दिया था और अच्छा सा हमारा हार्ट बन के रेडी हो गया है। इस तरह की पिंस भी आप यूज़ कर सकते हो, और इस तरह की और इस तरह की कलरफुल पिन में जो भी किसी में लगाना, हेयर बैंड में भी आप इस तरह से लगा सकते हो। बस हॉट ग्लू गन मैंने लगा दिया है उल्टा करके, फिर हम क्या करेंगे पिन को सीधा रख देंगे और थोड़ी देर में ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा, और एक अच्छा सा हमारा जो पिन है वो नॉर्मल पिन अट्रैक्टिव लुक में बदल गई है आप देख सकते हो, और एक छोटा हार्ट भी बनाकर साइड में चिपका सकते हो। आपको कैसा पसंद है वो देखो, यहाँ पर खुशी देखो, एक नई चीज़ बन के आई है तो बोल रही है मुझे लगा दो अभी के अभी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कभी कभी इतने कपड़े ज़्यादा हो जाता है वो और सारी रोप भर जाती है वो और कुछ भी जगह बचती नहीं, तो यहाँ पर एक जुगाड़ आपको करना है। यहाँ पर ले लिया है एक हैंगर, उसमें नीचे की ओर फिर से हमें चार पाँच जितने भी आपके कपड़े बचते हो ड्राई करने के लिए वो आपको हैंग कर देने हैं, तो क्या होगा कि बहुत सारे कपड़े आप एक साथ हैंग हो जाएंगे। और क्या रहता है कि वॉशिंग मशीन में ज़्यादातर तो कपड़े सूख जाते हैं, फिर भी हमें धूप देनी ज़रूरी है, तो इस तरह से भी आप हैंग करके कपड़े को सुखा सकते हो और जितने चाहे हैंगर लगा सकते हो। और हमें लाइफ में इतना काम रहता है, इतने बिजी शेड्यूल रहता है, तो थोड़े बहुत तो हैंग समय अजमाने ही पड़ते हैं, वरना हमारा काम टाइम पर हो नहीं पाता। और चीज़ों को भी हमें रीयूज़ बिल्कुल ही करना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक हो कोई भी चीज़ हो। यहाँ पर वैसे ही हार्ड पिक की आप देख सकते हो एक बोतल पड़ी हुई है, शैम्पू कंडीशनर जो भी इस तरह की आपके पास बोतल्स हो इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टिकर निकाल देने हैं, और स्टिकर निकालने के बाद अगर आप चाहो इसको थोड़ा लुक अच्छा देने के लिए कलर वगैरह भी कर सकते हो या फेब्रिक से स्टिक भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं बेसिकली देना चाहती थी माउस का शेप, पर फिर माउस भी नहीं बना ना ही केट बनी, वो दोनों का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट बन गया है। यहाँ मार्कर पेन से मैंने मार्क कर लिया है, उस हिसाब से नाइफ को गर्म कर लिया था और फिर इसको कट कर लिया है।
इजीली कट हो जाता है। और फिर मैं क्या करूँगी कि इसको हम एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ करेंगे। आप चाहो तो स्टेशनरी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कटलरी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यहाँ पर मैं बाथरूम में इसको हैंग करूँगी और टूथ ब्रश और टूथपेस्ट इसमें लगा दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा भी मुझे ड्राइंग करना था और आपको हैंग करने के लिए ऊपर थोड़ा सा एक होल लगा देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आप बताना कमेंट करके कि माउस है या केट है, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। और इस तरह से बस बाथरूम में हम लगा देंगे और एक अच्छा सा क्यूट सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है और हमारी जो बोतल थी उसका भी रीयूज़ हो गया है। और छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए भी आप जो ड्रॉअर रहता है या फिर इस तरह का डोर रहता है उसके बैक साइड भी इस तरह से कमांड हुक में हैंग करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी साड़ी है, हाथों में आ जाती है, उतनी नरम है और इसको भी प्रेस वगैरह भी करने की कोई भी झंझट नहीं। 20 साल पुरानी साड़ी है, मेरी भाभी ने भी पहनी, मेरी मम्मी ने भी पहनी। और मैं इंडिया गई थी तो यहाँ पर लेके आई थी क्योंकि इसमें से मुझे कुछ बनाना था, पर फिर मैंने कहा कि इतनी अच्छी साड़ी को कहाँ मैं बिगाड़ूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा अट्रैक्टिव लुक दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मेथड आपको बताऊँगी फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में या उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगी कि इसको दूसरे वाले मेथड से किस तरह से अट्रैक्टिव लुक बना सकते हो। यहाँ पर इस तरह के शेप के मैंने मिरर लगा दी है, बस हॉट ग्लू से आपको चिपका देना है तो इंस्टेंट कोई भी चीज़ है वो एकदम ही अट्रैक्टिव बन जाती है, मिनटों में बन जाती है। क्योंकि एयर साड़ी मुझे अभी चाहिए थी तो मैंने भी दूसरा कोई यहाँ पर मुझे क्या करना था, थोड़ी एम्ब्रॉयडरी करनी थी पर उसके लिए टाइम नहीं था, इसलिए मैंने खाली मिरर्स लगा दिए है तो भी कितना अच्छा लुक आ रहा है आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो पहले कैसी साड़ी थी और अब कैसी है। और क्या है कि मिरर से आप कोई भी चीज़ को अच्छा सा लुक दे सकते हो। और मुझे स्पेशली मिरर से बनी हुई है DIY होम डेकर हो, ऑर्गेनाइजर हो या इस तरह के कोई भी फैब्रिक में मिरर्स लगे हो वो पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं। आइडिया कैसे लगे वो कमेंट जरूर करना। बाय बाय।